शुक्रवार की सुबह कोयला मोहल्ले में सफाई के दौरान आदिल नामक युवक ने एक सफाई कर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी आदिल अभी भी फरार बताया जा रहा है। खाते गांव कोयला मोहल्ला में सुबह सफाई कर्मी दीपक पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमले के मामले ने तूल पकड़ा। सफाई कर्मचारियों के संगठन ने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सफाई न करने की घोषणा की है। खाते गांव में जितने भी मुस्लिम वार्ड है उन सब की सफाई कताई बंद कर दिए। ना तो हम उस वार्ड की सफाई करने जाएंगे और ना किसी कर्मचारी को भेजेंगे, भले ही उसके लिए देवास कलेक्टर एसडीएम कोई भी आके कह दे, उसके बाद भी हमने। शुक्रवार की सुबह आदिल नाम के युवक ने सफाई कर्मचारी पर प्राण घातक हमला किया था। खातेगांव पुलिस ने अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। देवास से बाबू भैया की रिपोर्ट। अभी कुछ देर पहले की घटना है, नगर पालिका सफाई कर्मी कोयला मोहल्ला में सफाई कार्य कर रहे थे कि एक आदिल अय्या नामक लड़के ने, जब उसके घर के सामने दीपक और उसके साथ के लोग सफाई कर रहे थे, अचानक घर से निकला और उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया। तो उसने अपना हाथ कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए ऊपर उठाया तो उसको हाथ में चोट लगी है। दीपक को हाथ में चोट आने से उसको देवास रेफर किया है। दीपक की रिपोर्ट पर थाने पर 307 और हजन एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।